रिटेल मार्केट में प्याज का दाम 50 से 60 रुपए किलो है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसानों को कितना पैसा मिल रहा है? ज्यादातर किसान 900 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर प्याज बेचने को मजबूर है। असली फायदा बिचौलिए और रिटेलर्स उठा रहे हैं। किसानों को मिलने वाला यह रेट महाराष्ट्र का है, जो देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में 16 नवंबर को प्याज का न्यूनतम दाम सिर्फ 901 रुपए प्रति क्विंटल आ गया, जबकि मॉडल प्राइस 1880 रुपए क्विंटल रहा। लासलगांव मंडी में 16 नवंबर को लाल प्याज का न्यूनतम दाम तो सिर्फ 600 रुपए प्रति क्विंटल ही रहा, जबकि मॉडल प्राइस 2020 रुपए प्रति क्विंटल था। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले के अनुसार न्यूनतम रेट और मॉडल प्राइस पर सबसे ज्यादा लोग बिक्री करते हैं। अधिकतम रेट पर बहुत कम लोगों का प्याज खरीदा जाता है, इसलिए किसान को कितना मिल रहा है इसे जानने के लिए मिनिमम और मॉडल प्राइस देखना चाहिए। भारत दिघोले का कहना है कि प्याज की लागत 17 से 18 रुपए आ रही है, क्योंकि डीजल, खाद और लेबर कॉस्ट सभी बढ़े हैं। ऐसे में किसानों को कम से कम उनके अनुसार 32 से 35 रुपए किलो का रेट मिलना ही चाहिए, वरना 9 और 18 रुपए किलो के रेट पर तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती है। देश का 40% प्याज महाराष्ट्र में होता है, जबकि महाराष्ट्र के अंदर की बात करें तो नासिक इसका गढ़ है। भारत दिघोले का कहना है कि किसानों को प्याज का रेट व्यापारी तय करते हैं। जिस दिन किसान खुद अपनी उपज का दाम तय करने लगेगा, उस दिन तस्वीर बदल जाएगी। भारत दिघोले का कहना है कि वे चाहते हैं कि सरकार एक ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि किसानों को 30 रुपए किलो से कम पर प्याज बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। ऐसा किया गया तभी किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी। प्याज उत्पादक किसानों का कहना है कि इतने कम रेट पर तो उनकी लागत भी नहीं निकलेगी, क्योंकि डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है, खेत की तैयारी का खर्च बढ़ गया है, उर्वरकों के दाम आसमान पर है, खेतों में काम करने वालों की मजदूरी भी बढ़ी है और उनकी मेहनत का सारा मुनाफा बिचौलिए और रिटेलर खा रहे हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।